कोविड। हाँ, हमारे यहाँ कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार यहाँ पे जो जितना भी गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं उनको मास्क के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। जो मास्क नहीं लगाए हम मास्क का कार्रवाई भी होता है, थर्मल स्कैनिंग हो रहा है। और जितने भी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं सभी गाड़ियों का यहां नाम नंबर एंट्री होता है, थर्मल स्कैनिंग में टेम्परेचर चेकिंग होता है उसमें, और नाम नंबर नोट करते हैं। यहां डॉक्टर साहब लोग भी हैं, गुरुजी लोगों का भी ड्यूटी लगा है। हम लोगों का गाड़ी रोकने का काम रहता है, गाड़ी रोकते हैं हम लोग, इनके ऊपर दे देते हैं जो भी है, यहां एंट्री करते हैं लोग बस। तो बीच में जैसे कोरोना कम हो गया था तो उस टाइम में आप लोग का ड्यूटी बंद हुआ था या कंटिन्यू? नहीं, हम लोगों का अगले साल से ही कंटिन्यू चल रहा है अभी। हाँ, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और हमेशा चल, अभी जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से तब तक चलते रहेगा। मैंने हम लोग यहाँ जो उड़ीसा तरफ से जो भी आते हैं उनको जो है यहाँ रोका जाता है हमारे पुलिस द्वारा, और वो कहाँ से आ रहा है, उसका नाम क्या है, कहाँ जा रहा है, उसका गाड़ी नंबर, उसका मोबाइल नंबर हम लोग नोट करते हैं, और ये थर्मस स्कैनिंग भी करते हैं। जिसका टेम्परेचर माने 100 से पार हुआ, शंकाप्रद हुआ, उसको जो है यहाँ डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, उनका जो है टेस्ट करते हैं और उस हिसाब से उसको दवाई डॉक्टर लोग देते हैं, और ऊपर भी उनको जो है हॉस्पिटल भेजते हैं। मान लीजिए कोई अगर सिम्टम दिखाई देता है किसी का, तो आप लोग छत्तीसगढ़ में उसको एंट्री करने देते हैं या फिर रिटर्न? नहीं, उसको एंट्री नहीं कर देंगे, डॉक्टर लोग हैं उसको जो है अपने ऊपर अधिकारी को बोलेंगे, उस हिसाब से फिर उसका ऊपर जो उसका जांच पड़ताल उसका चेक वगैरह होगा। कितना दिन से आप लोग का ये चल रहा है? ये हम लोग का तो अभी कंटिन्यू चल रहा है, ये जो पिछले साल से जो चालू हुआ था। हाँ, पिछले साल से जो चालू हुआ था वो चल रहा है। यहाँ 24 घंटा ड्यूटी है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टीचरों का यहाँ लगाया गया है पूरा। जैसे हम लोग का सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है, अभी 2 बजे के बाद फिर अलग टीचर आएंगे, वो जो है नाइट 10 बजे तक करेंगे, उसके बाद 10 नाइट से फिर सवेरे 6 बजे तक फिर अलग है, दो दो जने का ड्यूटी, और डॉक्टर लोग भी रहते हैं। यहाँ कौन और बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं? हाँ, आते हैं ना। हाँ, हमारे SDM साहब भी आते हैं यहाँ, आपके उड़ीसा के तरफ से भी आए थे, होली के दिन SDM सर भी आए थे यहाँ निरीक्षण करने के लिए। ये कब तक चलता रहेगा? ये तो अभी जब तक कोरोना बढ़ा हुआ है माने चलता ही रहेगा समझो।